थर्ड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, इसको लिखते हैं म्यू सिंबल से, म्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए यहां से यहां तक इसने एक रोटेशन पूरा किया है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर कोई भी हो एक सेकेंड के अंदर कितना रोटेशन पूरा करती है, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिख लीजिए द नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय द वेव इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट बाय द वेव इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट होता है, यूनिट इज हर्ट्ज, साइंटिस्ट नेम के नेम से है हर्ट्ज, एच जेड लिखते हैं इसको। फोर्थ पॉइंट है इसका कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड। देखिए एक चक्कर पूरा करने में वेव को कितना टाइम लगा, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो लिख सकते हो टाइम टेकन बाय द वेव फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन, वन साइकिल, वन पीरियड इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम टेकन बाय द साइकिल टू कंप्लीट वन रोटेशन, इसको टी से लिखते हैं, कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए, सेकेंड ही होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी से उल्टा लग रहा है, इसमें था कि एक सेकेंड में कितने चक्कर पूरे किए, इसमें था कि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। तो रिलेशन क्या है दोनों में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड। तो इसी के अंदर हम देखते हैं कि रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। सिंपल फॉर्म में वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है, v इज इक्वल टू लेमडा कंप्लीट वेवलेंथ, टाइम पीरियड कितना लगा, t लगा होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लेमडा इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड, और वन बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। की पिच क्या होती है, पिच, नेक्स्ट पॉइंट है पिच। देखिए पिच फ्रीक्वेंसी से ही बना है, हम ये बोलते हैं, लिख लीजिए पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मोर इज द फ्रीक्वेंसी मोर इज द पिच, लेस इज द फ्रीक्वेंसी लेस इज द पिच। हम बोलते हैं कि किसी की आवाज पतली है, किसी की आवाज मोटी है, और डिपेंड करता है पिच के ऊपर। गर्ल्स की आवाज पतली होती है, श्रिल साउंड बोलते हैं उसको, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, अभी इट इज कॉल्ड ए पिच। जिनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उनका पिच क्या होगा, ज्यादा होगा। जिनका फ्रीक्वेंसी कम होगा उनका पिच क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आपकी आवाज कितनी मोटी है, कितनी पतली है, ये कौन बताएगा आपको, पिच बताएगा। फिर आता है एक लाउडनेस, लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस क्या है कि आपकी आवाज का कितना एम्पलीट्यूड है, उसको क्या बोलते हम लोग, लाउडनेस। तो लिख लीजिए मोर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मोर इज द लाउडनेस, लेस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव लेस इज द लाउडनेस। तो लाउडनेस किसको बताता है, एम्पलीट्यूड को ऑफ द वेव, पिच किसको बताती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। हमारे पास डिफरेंट तरह के मीडियम हो सकते हैं, हमारा मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस भी हो सकती हैं, ठीक है।
तो स्पीड ऑफ साउंड हाइएस्ट किस में होती है, याद रखिए, स्पीड ऑफ साउंड इज हाइएस्ट इन द सॉलिड, देन इन लिक्विड, देन इन गैस। अगर आप तीनों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है साउंड की, सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो आप जो आप सुनते हो गैस की स्पीड, वो स्पीड सबसे कम होती है एक्चुअल में किससे, लिक्विड से और सॉलिड से। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड क्या करे, अगर साउंड एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो लिख लीजिए, इट इज ए फिनोमिना इन विच साउंड कम बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ऑब्जेक्ट, आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए, मान लेते हैं ये साउंड आ रही है ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ साउंड, ये साउंड है आ रही है ऐसे हमारे पास, यहाँ पे स्ट्राइक किया, दिस इज इंसिडेंट साउंड बोलते हैं इसको, जहाँ से सोर्स से आ रही है इंसिडेंट साउंड, और ये वापस चलेगी ऐसे, दिस इज रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड, और जहाँ पे स्ट्राइक की है वहाँ पे मैंने ड्रा किया एक परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है भाई, इट इज आई बोलते हैं इसको, ये एंगल आर है, तो एंगल आई क्या है, इसको नाम दिया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर को क्या बोला गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शंस के लाज बने यहां पे, क्या लाज था कि जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल पे लाइट चली जाएगी, यानी पहला लॉ क्या है, लॉज क्या है इसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ लिखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल आई जो बनता है वो आर के बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन, एक पेपर पे आ जाएंगे, लाइज इन द सेम प्लेन, दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या होता है, इको कैसा फिनोमिना है, आपने साउंड प्रोड्यूस किया और कुछ टाइम के बाद वही साउंड आपको वापस सुनाई दे आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज कॉल्ड इको। लिख लीजिए, इट इज ए फिनोमिना इन विच वी कैन हियर द सेम साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इको। निकालते कैसे हैं, मान लेते हैं कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ी है, और यहाँ पे आपने एक साउंड प्रोड्यूस किया और ये साउंड यहाँ पे चला ऐसे, ठीक है, फिर ये साउंड स्ट्राइक करके वापस भी सुनाई देगा इसको आफ्टर सम टाइम। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एक्स है, भी मान लेता हूं वी क्या है मेरा, इट इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ ए साउंड, और एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का, सोर्स से जो पहाड़ी आपने यूज की हुई है वहां तक का साउंड है, डिस्टेंस एक्स है, और टी क्या है इसका, मैं टी को टाइम ले लेता हूं, ये कौन सा टाइम है, आपने साउंड प्रोड्यूस किया साउंड वापिस सुनाई दिया ये वाला टाइम। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड वी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड ने, एक बार साउंड इस तरह से गई एक्स चलती हुई, फिर वापस आई एक्स चलती हुई, तो कितना हुआ एक्स प्लस एक्स, और टाइम कितना लगा इसको, टी मान लेते हैं, तो ये हो गया टू एक्स बाई टी।
क्या हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, डिस्टेंस x इज इक्वल टू इस t को यहाँ पे ले जाते हैं वी टी बाई टू, तो दिस इज द x फ्रॉम द स्पीड ऑफ साउंड और फ्रॉम द इको। देखिए इको की कम से कम कंडीशन क्या है कि कम से कम डिस्टेंस पे इको कितना हो सकता है, जब x निकाला गया इको करने की कम से कम डिस्टेंस है 17.2 मीटर, इससे कम डिस्टेंस पे इको पॉसिबल नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर और सोर्स के ऑफ साउंड के बीच में कम से कम 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए अगर आपको क्या करवाना है, इको करवाना है। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं। पहला एप्लीकेशन है मेगाफोन। मेगाफोन कैसा होता है, देखिए कई मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने कि पुलिस अनाउंसमेंट करती है, एक लाउड स्पीकर में देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है साउंड स्ट्राइक करती है ऐसे और रिफ्लेक्ट होती है, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और साउंड एक डायरेक्शन में चलती है यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड मेगाफोन। तो मेगाफोन के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके ये अपने आप को क्या दे रहा है, एक डायरेक्शन में साउंड को दे रहा होता है, ठीक है। लिख लीजिए मेगाफोन गिव ए साउंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दूसरा है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर इसको यूज करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये डिवाइस है जो जिसके अंदर एक ट्यूब्स लगी होती हैं और इस डिवाइस की हेल्प से हमारी हार्ट बीट या बॉडी के मोशन, बॉडी की साउंड को सुना जाता है, ठीक है। कैसे सुनते हैं, यहाँ से साउंड एंटर करती है इन द ट्यूब और ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ये हमारे ईयर तक पहुँच जाती है। तो छोटी से छोटी साउंड जो बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, इसमें क्या हो रहा है, साउंड चल रही है इन ए ट्यूब एंड इट प्रोड्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड वी कैन हियर द साउंड थ्रू द ट्यूब। तो लिखिए इन स्टेथोस्कोप साउंड ट्रेवल थ्रू द ट्यूब बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड वी कैन हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। थर्ड जो हमारा टू पॉइंट बनता है वो है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है, ये किसी स्पीकर या सोर्स ऑफ साउंड के पीछे एक क्राउड फॉर्म में लगा हुआ बोर्ड है जिससे साउंड स्ट्राइक करके स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी दूर तक साउंड हमको क्या करती है, सुनाई देती है, इट इज कॉल्ड साउंड बोर्ड। इसी वजह से जो कॉन्फ्रेंस हॉल हैं या सिनेमा हॉल्स हैं उसका जो छत हैं वो करोड फॉर्म में होती हैं जिससे साउंड स्ट्राइक करके हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड क्या कर सके, पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी हमको सुनता किस तरह की फ्रीक्वेंसीज के साथ है, हमारा रेंज क्या है, सुनने का रेंज क्या है। पहले हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ऑडियो साउंड कौन सी होती है, जिस साउंड को ह्यूमन सुन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडियो साउंड। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की बीच की साउंड की साउंड को हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं, उसको बोलते हैं ऑडियो साउंड। सेकेंड होती है इंफ्रासोनिक साउंड। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। फ्रीक्वेंसी कितना हो साउंड का, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, इंफ्रासोनिक साउंड। थर्ड है अल्ट्रासोनिक साउंड। ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड। फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन
20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड, या इसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस क्या हो सकती है? देखिए, अलग अलग तरीके से अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। पहला पॉइंट तो यही है कि मेडिकल साइंस में इसको यूज़ करते हैं। लिख लीजिए, इन मेडिकल साइंस अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू टेक द पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडीज। अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देता है। तो यही अल्ट्रासाउंड क्या है? वही फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, उस साउंड को यूज़ करते हैं डॉक्टर हमारी बॉडी की इंटरनल पिक्चर को लेने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट कामबेज होता है, इट इज़ यूज इन मेडिकल साइंस। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ यूज इन इंजीनियरिंग टू फाइंड द डिफेक्ट और क्रैक्स इन द सिमटेड ब्लॉक्स और मेटेलिक ब्लॉक्स भी। बड़े बड़े ब्लॉक्स हमारे पास हो सकते हैं, मेटेलिक ब्लॉक या सिमटेड ब्लॉक, मान लेते हैं इनमें कोई क्रैक पड़ा हुआ है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड डालते हैं ऐसे, जहाँ पे क्रैक नहीं है वो साउंड यहाँ से ट्रेवल कर जाएगी और यहाँ से रिसीवर के पास चली जाएगी। अगर क्रैक्स हैं तो साउंड यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि इस ब्लॉक के अंदर क्रैक्स है या कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो इट इज़ यूज्ड इन इंजीनियरिंग, लिख सकते हो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू फाइंड आउट द क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक्स और सिमटेड ब्लॉक्स। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड टू क्लीन द सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स भी। किसको साफ करने में काम आता है? सेंसिटिव पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। देखिए, जिन पार्ट्स को हम हाथों से साफ नहीं कर सकते उन पार्ट्स के ऊपर हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड डालते हैं, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उस वाइब्रेशन की वजह से वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उससे अलग हो जाते हैं और पार्ट आपका क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। इट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड।